प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 40 जो कि 11 अक्टूबर की है, तो ये वर्कशीट आपकी तीन पार्ट में यानी कि थ्री पार्ट में आई है, ए बी और सी। 40A, 40B, 40C ए वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसमें बी और सी को समझेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के जो ना आंसर लिखवाया नहीं जाएगा, रटवाया नहीं जाएगा, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ग्रामर में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो किसी भी टाइप का कोई भी सेंटेंस हो आप उसकी पहचान कर सकते हो, उसे बदल सकते हो। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं वाक्य रचना के आधार पर, और जैसे कि हमारी लाइव क्लास में भी आपको पता चल गया होगा, जो रचना के आधार पर है ना वाक्य, वो तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तीन प्रकार के होते हैं, मिश्रित को मिश्र भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सरल। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, यानी कि मेन वर्ब एक ही होगा, और इन्हें जो है सरल वाक्य कहेंगे। जैसे देखो भाई, बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के द्वारा पढ़ाई हो रही है, एक ही क्रिया है पढ़ाई होने का। मैं खेल रहा हूँ तो खेलने की क्रिया हो रही है। राधा नाच रही है, नाचने की क्रिया हो रही है। रोहन गा रहा है तो गाने की क्रिया हो रही है। मुख्य क्रिया एक है, सारे आपके सरल वाक्य होंगे इस तरह के। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों। अब यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव क्या है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, जैसे मोहन ने खाना खाया और सो गया। मोहन ने खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पर जो और वर्ड है वो आपका समुच्चय बोधक है। दूसरा देखो, वह बाजार गया और केला लाया। तो देखो, जो और है या, किंतु, परंतु, तथा, ये सारे आपके समुच्चय बोधक है। दो सेंटेंस को जोड़ेंगे और जितने भी सेंटेंस होंगे वो स्वतंत्र होंगे। क्लियर है ना, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में हमारा क्या होगा, एक दूसरे पर डिपेंड होना है। इसलिए ध्यान से समझे, मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हो जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य गौण हो, और जो गौण है ना वो डिपेंड होगा, आश्रित होगा किस पे, मुख्य जो सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर देखो, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पर देखो, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, ये एक डिपेंड है, वह सफल होता है। तो एक दूसरे पर डिपेंड होगा। इसी तरह से आप इसलिए दान करना महान है क्योंकि सच बोलते हैं। क्लियर है, तो एक दूसरे पर डिपेंड है और दोनों सेंटेंस आपके किसी कंजक्शन से ही जुड़े होंगे। अब यहाँ पे देखो, उपवाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य में एक प्रधान और बाकी आश्रित उपवाक्य होंगे। तो अब हम जानते हैं उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य कौन होगा। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी मुख्य क्रिया होती है, जो मेन वर्ब जिसमें है वह आपका प्रधान है, और आश्रित यानी कि प्रधान उपवाक्य के साथ आए वाक्य जो मुख्य क्रिया को पुष्ट करे, यानी कि मुख्य क्रिया कोई सपोर्ट कर रहे हो, मुख्य सेंटेंस को सपोर्ट करे, वो आपका आश्रित यानी कि गौण उपवाक्य होता है। तो जो आश्रित उपवाक्य है ना, वो शुरू कैसे पहचान करेंगे कि इसमें आश्रित कौन है। देखो, ये कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि, इनसे शुरू होते हैं, और जो सेंटेंस इनसे शुरू होगा ना वो आपका आश्रित उपवाक्य होगा। क्लियर है, आपको समझ आ जाना चाहिए। अब जो आपके आश्रित उपवाक्य है ना, वो तीन प्रकार के होते हैं, उनके तीन भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, और तीसरा है क्रिया विशेषण। अब संज्ञा क्या होता है, देखो, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग हुआ है, यानी कि जो एज ए नाउन, एज ए संज्ञा यूज हो रहा हो, वो आपका संज्ञा उपवाक्य होता है। और इसकी जो पहचान है ना, वो नॉर्मली क्या है, की से शुरू होती है। कोई भी सेंटेंस अगर की से शुरू हो रहा हो ना, तो वो आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। विशेषण में क्या होगा, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो, उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहचान क्या है, सामान्य रूप से ये जो अथवा इसके किसी रूप, जिसने, जिसे, जिसे, जिसको, इनसे शुरू होता है, जो, जिससे, जिसके, जिससी, जिसे, इनसे शुरू हो, आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्रिया विशेषण।
जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो प्रधान उपवाक्य है ना उस क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे पहचान देखो, सामान्य रूप से क्रिया विशेषण उपवाक्य जब जो ही जहाँ जिधर जिस जगह जैसा वैसा इनसे शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जित भी यद्यपि ताकि इनसे सबसे स्टार्ट होंगे तो आपका हो गया क्रिया विशेषण। अब हम इसके कुछ प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। चलिए तो पहला सवाल है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद। कोई लॉजिक नहीं लगाना, बिल्कुल सरल है क्योंकि इसमें कोई भी दो सेंटेंस नहीं है, तो आपका ये होगा पहला वाला सरल वाक्य। दूसरा है छुट्टी हुई और हम घर भागने लगे, तो यहाँ पे देखो और जुड़ा हुआ है तो और के जुड़ते आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तीसरा है शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, दो सेंटेंस है एक दूसरे पर डिपेंड है, तो आपको वाक्य भेद बताना है, ये है आपका मिश्रित वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य है। और चौथे पे चलते हैं, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूँ, तो उपवाक्य का भेद बताना आपको कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या करण है। तो ये वाला तो कोई है ही नहीं, इसलिए आपको इसे डिलीट कर देना है। अब तीनों में आपको चेक करना है, तो देखो यहाँ पर की से शुरू हुआ है तो आपका ये संज्ञा उपवाक्य। अभी नियम बताया कि की से शुरू होगा तो मोस्टली 90% जो है आपके केस में वो संज्ञा उपवाक्य होगा। और पांचवा देखो, मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है, तो यहाँ पर भी आपने उपवाक्य का भेद बताना है। फिर से देखो की जुड़ा हुआ है तो आपको ये संज्ञा उपवाक्य का भेद हो जाएगा। और रचना के आधार पर इस तरह से आप और भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए प्रैक्टिस बनाई है एमसीक्यू टाइप के, आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब हम सी की बात करते हैं, और सी में है हमारे पास पद परिचय, ठीक है। तो पद परिचय में जैसे कि आपको पता चल चुका है अभी तक हमारी लाइव क्लास में भी हमने पद परिचय को समझाया है, पद का परिचय जिस तरह से हम अपना परिचय देते हैं। एग्जांपल देखें, यहाँ पर दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं तो क्या होता है, मेरा नाम क्षितिज है ना, तो मेरा नाम कृतिका है, क्षितिज है ना, तो नाम भी क्षितिज होता है, आपकी हिंदी किताब का नाम भी क्षितिज है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं शारदा सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ता हूँ और मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये है क्षितिज के बारे में, क्षितिज का परिचय है, ठीक है। इस प्रकार हमने अपने बारे में बताते हुए परिचय देना कहते हैं, जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं तो परिचय देना कहते हैं। अगर आपको पद परिचय का अच्छे से समझना है लाइव क्लास में तो सारा डीप में लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे अपना परिचय देते वैसे ही हम उसमें जो भी वाक्य में है ना, हर एक सेंटेंस में हर एक शब्द का परिचय, और उस शब्द को कहते हैं हम पद परिचय। देखो आपने जिस तरह से हम अपना परिचय देते हैं उसी तरह से हम पदों का भी शब्दों का भी परिचय देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है शब्दों का परिचय देना। और ये शब्दों का परिचय क्या होता है, ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरणिक परिचय। आपने पढ़ा है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहेंगे भाई, शब्दों का सार्थक समूह, कुछ भी शब्द ऐसे जोड़ नहीं देंगे, जैसे मैं आप सब हम सब लोग, तो ये आपके वाक्य नहीं होंगे बल्कि एक क्रमबद्ध तरीके से और सार्थक होना चाहिए। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, और उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ध्यान रखें, पद परिचय होगा ग्रामेटिकल परिचय, और पद परिचय को हम क्या कहते हैं, पद व्याख्या भी कहते हैं और पदान्वय भी कहते हैं। इसी को पद की व्याख्या करना और पद का अन्वय करना यानी कि उसे और अच्छे से समझना। तो चलिए ध्यान देने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर पद परिचय से रिलेटेड। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब पद बन जाता है तब इसी पद का पूर्ण परिचय व्याकरणिक ज्ञान के आधार पर, व्याकरण में वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, लिंग वचन कारक, सारी चीज़ें क्या होती है, पद परिचय कहलाती है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य वाक्य में उस पद की स्थिति को बताना, जैसे उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, कारक क्या है और अन्य उसके साथ रिलेशन क्या है पदों का, है ना। पद का सही परिचय देने के लिए आवश्यक है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ये सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, संज्ञा पता होना चाहिए, सर्वनाम, विशेषण, कारक, अव्यय, लिंग, क्रिया, वचन, सारी चीज़ें साथ में क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए तभी हम इसे और अच्छे से कर सकते हैं। पद परिचय देते समय आवश्यक बातों का भी ध्यान रखना परम आवश्यक है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो पद परिचय और भी ईजी हो जाता है और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखो पद परिचय आपके कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया,
ये जो स्टार्टिंग के चार हैं ना, ये आपके विकारी हैं और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपके अविकारी हैं। देखो विकारी और अविकारी क्या होते हैं, विकारी नहीं है ये, विकारी। तो पदों का, पदों के परिचय संक्षिप्त दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जाता है, एक होता विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी क्या होते हैं, विकारी यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जिनमें चेंजेज आ जाता है, लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष कारक आदि के कारण जब विकार उत्पन्न होता है, जब चेंजेज आ जाते हैं सेंटेंस में, तो वो आपका हो जाता है विकारी। जैसे मोहन, अभी मोहन क्या है ना, अगर हम कहें कि मोहन जाता है, लिंग बदल दिया हमने, तो मोहन जाती है नहीं आएगा, हमें सीता जाती है, ठीक है। इसी तरह से देखो, मोहन जाते ही नहीं करेंगे हम, तो मोहन जाता है, क्योंकि ये विकारी शब्द है। जैसे आपने मोहन कहा तो क्या आ जाएगा, जाता है। गीता कहोगे तो जाती है, वह और वे जाते हैं, तो ये चेंजेज आ रहा है, चेंजेज आ रहा है, इसका मतलब विकारी है। दूसरा देखो अविकारी, जहाँ पर चेंजेज नहीं आएगा, कुछ भी आप सेंटेंस में आप बदल के देखो, चेंजेज नहीं आएगा, वे अव्यय होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रातःकाल, अब देखो मैं कहूँगा मोहन प्रातःकाल घूमने जाता है, तो प्रातःकाल प्रातःकाल ही है, कोई चेंज नहीं आया। अब मैंने कहा गीता प्रातःकाल घूमने जाती है, तो प्रातःकाल में कोई चेंज नहीं आया। अगर हम पुल्लिंग का रखें, स्त्रीलिंग का रखें, एक वचन का रखें या बहुवचन का रखें, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है प्रातःकाल। इसी तरह से धीरे धीरे कहो, मैं धीरे धीरे जाता हूँ, तुम धीरे धीरे जाते हो, वे धीरे धीरे जाते हैं, सीता धीरे धीरे जाती है, राम भी धीरे धीरे जाता है, तो धीरे धीरे में कोई भी अंतर नहीं आया। इसी तरह से सबास और जबकि, ये सारे आपके क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं इनके प्रश्नों की, जो भी इसके वर्कशीट के हैं। तो पहला सवाल है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, जो शब्द है वही पद है, पद ही तो शब्द है, तो पद और शब्द वाक्य में होते हैं। दूसरा है, पद परिचय के स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं, पद व्याख्या, पदान्वय, क या खा दोनों। तो देखो पद परिचय को हम पद व्याख्या भी कहते हैं और पदान्वय भी कहते हैं, तो आपका ग ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला देखो, आपका पद परिचय का आधार क्या है, तो पद परिचय का आधार है व्याकरणी, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से हम पद परिचय करते हैं। और अगला है आपका प्रयोग के आधार पे, पद कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं आप यहाँ पे लिखोगे 8, प्रयोग के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। और अगला देखो, यहाँ पर एक एक्टिविटी है विकारी और अविकारी शब्दों का, तो देखो यहाँ पर विकारी और अविकारी देखना है हमने, भेदों के नाम बताने। तो विकारी कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे आप लिख दोगे संज्ञा, सर्वनाम, तो ऊपर आपको दिखा देता हूँ मैं क्लियरली, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों आपके क्या हैं, विकारी। और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों आपके हो गए अविकारी। चार विकारी हो गए, चार अविकारी हो गए। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी, बी और सी को दोनों को एक में एडजस्ट करने की कोशिश की, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ इसी तरह से एजुकेशन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।